सकते हैं। काफी ज्यादा गाढ़ा है, मतलब ये हनी जैसा है, इसका जो रेजिन है एकदम हनी जैसा है। स्मेल भी एकदम माइन्यूट सी आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फनील शाह और ये मेरा YouTube चैनल है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ रेजिन आर्ट की बहुत ही चमकीली दुनिया में। वैसे तो आप मुझे रेजिन गुरु भी बुला सकते हैं, और ये है हमारा क्रिएटिव अड्डा, जहाँ पे आप और मैं मिलके कुछ तो क्रिएटिव बनाएंगे, डाउट्स भी सॉल्व करेंगे और रेजिन आर्ट की सारी पोलें खोलेंगे। देखते रहिए एज मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स को रिव्यू करूंगा, टॉप नॉच टिप्स भी दूंगा और आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और इसी नहीं इसी की तरह सारी वीडियोस को एंड तक देखना, बिकॉज अगर आप बीच में कहीं अटक गए और आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने स्किप कर दिया, तो मुझे मत पूछना, बिकॉज मैं आपको जो ज्ञान देने वाला हूँ वो नॉर्मली नहीं होगा, आपको थोड़ा सा फिल्मी ट्विक में देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया, ये वाला पहला है। तो पहले पार्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही रेजिन के बारे में बताऊँ, तो आपको कौन सा रेजिन है वो जानना है तो आपको रुकना पड़ेगा, तब तक मैं रेजिन ऑर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, जाएंगे हम एक वेबसाइट पे, ये हमने डाल दिया वेबसाइट की लिंक, फिर हम जाएंगे इसमें इपॉक्सी रेजिन, फिर ये वाला देखते हैं, ये वाला ऑर्डर करते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, और ऑर्डर करते करते ये कितना जल्दी आता है मैं आपको वो भी बताऊँ। जैसे मेरा ऑर्डर हो जाएगा आपको ये भी समझ जाएगा कि कितना फास्ट आ रहा है। तो रेजिन तो हो गया हमारा ऑर्डर, अब हम वेट करेंगे कि कब तक हमारा रेजिन हमारे तक पहुंचता है। तब तक आप भी थोड़ा सा कुछ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लीजिए, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होने वाला है, तो लेट्स वेट। ये है हमारा रेजिन जो हमने मंगाया था, ये हमारे पास आ चुका है। तो डिब्बा तो काफ़ी सुंदर है, पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ब्रांड है पेन क्राफ्ट, क्राफ्ट विद कॉन्फिडेंस। देखो अगर आर्ट बनाना है, चाहे रॉ मटेरियल हो ना हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इन्होंने मेंशन भी किया कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है प्रीमियम इपॉक्सियन हार्डनर, ऑटो एयर रिलीज, क्रिस्टल क्लियर, हाई ग्रॉस एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस। देखते हैं जो लिखा है वो है कि नहीं है। तो ड्रम रोल, टा 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 टा, रेजिन नोवा, ब्लैक कलर का इसका रेजिन का बॉटल है और वाइट कलर का इसका हार्डनर का बॉटल है। 2:1 रेशियो है, इसमें लिखा है हाई विस्कोसिटी, लो ऑर्डर, हाई ग्लॉस एंड क्लियर, यूवी रेजिस्टेंस एंड नॉन येलो। कितना खरा उतरता है, कितना सच है ये हम बाद में देखेंगे। इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, मिक्स रेशियो 2:1, फीचर्स हैं, हजार स्टेटमेंट है, प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट है, क्वांटिटी इसकी 800 ग्राम है, यानी ये बड़ा वाला 800 ग्राम है, तो पॉसिबली इसका होना चाहिए 400 ग्राम। टोटल 1.2 केजी का पैकेजिंग है, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया मुझे। और इस पर अच्छा, इस पर इंस्टाग्राम पर हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पहली चीज़ जो रेजिन में मैं देखता हूँ वह कि ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, अगर रेजिन भी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं और हार्डनर भी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो चलिए इसको हम ग्लास में निकाल के देखें। ठीक है, ग्लासेस लगेंगे, और देखो जैसे आप जेब में फ़ोन रखते हो वैसे मैं हमेशा ग्लव्स रखता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, रखना पड़ता है। कभी भी रेजिन को टच करने से पहले हमेशा ग्लव्स पहन लीजिए। मज़ा तो बहुत आता है कि ग्लव्स एकदम इजीली पहनने के लिए ना इसमें साइज़ आते हैं, कभी कभार है ना फट जाता है, पर ये वाले मेरे साइज में परफेक्ट है, ये लार्ज वाले, एल लिखा होता है वहाँ पे, समझ जाना लार्ज को। हम पहले निकालेंगे, मुझे ये देखना है कि हाई विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। लोगों को समझ में नहीं आता हाई विस्कोसिटी मतलब, उनको लगता है कुछ तो अलग टर्म है, कुछ तो फलता ही चल रहा है, मतलब टेक्निकल टर्म है। हाई विस्कोसिटी यानी ये थिकनेस ऑफ रेजिन, एक ग्लास ही चाहिए हमको। अब इसका हम थिकनेस देखते हैं,
काफी ज्यादा गाढ़ा है, मतलब ये हनी जैसा है, इसका जो रेजिन है एकदम हनी जैसा है। स्मेल भी एकदम माइन्यूट सी आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि स्मेल है इसमें। जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो स्मेल आता है किसी भी केमिकल का, उतना ही स्मेल है। अब भी सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है हार्डनर ओपन करने में, बिकॉज कई बार है ना ऐसे हाई विस्कोसिटी रेजिन का हार्डनर थोड़ा सा येलो होता है। देखते हैं हम इसमें येलो है कि नहीं। सील तो इतना टाइट है, मतलब लीक तो होने के बहुत कम चांसेस है अगर आप कूलर में भी मंगाएंगे तो। इसका हार्डनर भाई साहब, इसका हार्डनर भी एकदम क्लियर जैसे कि कोनो कांच, क्या बात है। मतलब ये रेजिन और हार्डनर दोनों एकदम क्लियर है। इसका जो एप्लीकेशन है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि हाई विस्कोसिटी रेजिन को कहां आप यूज कर सकते हैं। जो हाई विस्कोसिटी रेजिन यानी कि उसका जो थिकनेस होता है वो हनी से भी ज्यादा गाढ़ा होता है, मतलब जो शहद जैसा होता है कि आप उसको खींचते हो तो एक तार जैसा निकलता है, उतना गाढ़ा होता है। ये हम तभी यूज करते हैं जब आपको चाहिए कि आपका जो पैटर्न है वो हिले ना, मतलब अगर मुझे एक मार्बल इफेक्ट में मैंने वेन्स बनाया वो हिलने नहीं चाहिए, मुझे जैसा चाहिए अड़ियल मुझे ऐसा ही चाहिए तो आपको बहुत काम है, तब ये रेजिन काम आ सकता है। इस पे लिखी है इसकी पॉट लाइफ जो है 15 से 20 मिनट की है, यानी आपको इसमें ये फास्ट क्योर रेजिन है, यानी 15 से 20 मिनट आपका काम हो जाना चाहिए। तो इसमें आप बड़े आर्टवर्क बनाते हो तब आपको देखना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके फिर आप बनाओ। छोटे आर्टवर्क्स में तो आपको ईजिली हो जाएगा, आपने कप्स बनाए तुरंत मिक्स करके डाल दिया, बड़े आर्टवर्क्स में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आर्टवर्क बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में मिक्स करके बनाओ। फिर इसका जो क्योरिंग टाइम है वो है 5 to 6 hours, यानी ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, मतलब अगर मैं सुबह को इसको कुछ कोटिंग करूं तो मैं शाम तक या दोपहर तक भी मैं दे सकता हूं। तो यानी आपका अगर प्रॉब्लम आ गया कहीं पे तो ये आपको बचा सकता है, और सिर्फ यही बचा सकता है, फेनक्राफ्ट ही बचा सकता है। ठीक है, तो रेजिन नोवा तो ठीक है, क्लियर है हार्डनर, विस्कोसिटी भी काफ़ी अच्छी है, मिक्स करने के बाद भी गाढ़ा होगा। फिर इसको अभी ये क्लियर है तो हम क्लियर कोटिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लॉसीनेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा, एक मैंने आर्टवर्क बनाया है ऑलरेडी इसमें, वो मैं आपको देख के बताता हूँ। तो ये है आर्टवर्क, अभी इसको आप सोचोगे कि भाई इतना कास्टिंग क्या? नहीं भैया, ये कास्टिंग अलग रेजिन से हुआ, यानी अल्फेनक्राफ्ट का अलग रेजिन 3:1 से हुआ। उसके बाद अगले वीडियो में जब मैं आपको बताया कि तीन पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में जो कोटिंग है वो हमने उससे की है, एकदम ग्लॉसी आया है कोटिंग, तो यानी आप क्लियर कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो प्लस कलर कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और आपको होगा कि सर ये कैसे बना, आप ये भी बताइए। तो ये जानने के लिए मेरा कोर्स भी है, आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो, मेरा कोर्स वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये फ्लावर को हमने प्रिजर्व कैसे किया है, उसमें सारी डिटेल्स दी गई, तो देख सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया कोटिंग्स के लिए भी एकदम प्रॉपर हो गया ये चीज़। ये लोग रेकमेंड करते हैं कि आप कास्टिंग्स ना करें, बिकॉज थिक है तो बबल फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज जब हनी इतना ज़्यादा है उसका कंसिस्टेंसी, तो बबल्स को इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ऊपर तक आ सके और पॉप कर सके, तो इसीलिए इन्होंने मना किया है कि आप मत यूज़ करें किसी भी कास्टिंग के लिए। कलर्ड होगा तो चलेगा, ट्रांसपेरेंट कास्टिंग के लिए मत यूज़ करें। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अभी नोवा के इतनी खूबी है, ग्लॉसी तो है, फास्ट क्योर भी है, प्लस दोनों रेजिन हार्डनर येलो है ही नहीं, नॉन येलोइंग भी ये बोल रहे हैं 24 months, यानी 2 साल तक नॉन येलोइंग, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आज तक के जो कॉम्पिटिशन चल रहा है रेजिन के मार्केट में उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो 24 महीने के लिए नॉन येलोइंग है, बस फिर कुछ नहीं, आप ऑर्डर कीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए। इनके पास छोटा वाला पैक भी है, तो 1.2 kg पर छोटा वाला भी है। सारों की लिंक्स मैं डाल रहा हूँ YouTube के डिस्क्रिप्शन में, देखना, यूज़ करो और मुझे बताना। अच्छा लगे तो मुझे भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपके सारे रेजिन आर्ट के दोस्तों के साथ, कि जो भी रेजिन आर्ट बनाते हैं या बनाना चाहते हैं या उनको सिर्फ देखना भी पसंद है, तो आई एम श्योर कि मेरे यूट्यूब की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, तो मुझे टॉप पे आप ही ला सकते हैं, आपको लाना है, लाना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, भूलना नहीं है, नहीं तो फिर कल जाके भूल जाओगे कि भाई कौन से चैनल पे देखा था। ये है फैनक्राफ्ट रेजिन।